मेरे सामने आने का? कैसे साहस हुआ, कैसे साहस हुआ? सब मेरी असफलता का संदेश देने क्यों चले आते हैं, क्यों? और तुम्हें तो मैं शिवराज, ये कुछ है केवल अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। इससे मैं शांत हो जाइए, शिवराज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 10 माह बीत चुके हैं, 10 माह बीत चुके हैं अज्ञातवास को, केवल 2 माह शेष हैं। 60 दिन अब तक उन पांडवों की सूचना नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? और तुम अब तक यहीं खड़े हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, चले जाओ यहां से, जाओ। मेरी सफलता मुझसे दूर जा रही है। मेरा मित्र तो मुझसे पहले ही दूर जा चुका है, और सब कह रहे हैं कि शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने की आवश्यकता है, कैसे? शांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध ही उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका उत्साह बढ़ाता है। परंतु हाँ, क्रोध ही दोधारी तलवार है दुर्योधन, नियंत्रण में रहे तो शत्रु का नाश कर सकती है, और यदि अनियंत्रित हो तो स्वयं को घायल कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी यह क्रोध शक्ति पांडवों को ढूंढने में लगाओ। पर कहा मामा जी, कहा ढूंढे उन पांडवों को? हर ग्राम हर नगर ढूंढ लिया, जहां संभावना थी वो हर राज्य ढूंढ लिया, परंतु वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जहां ढूंढना चाहिए हमने वहां नहीं ढूंढा, हमारे किसी मित्र राज्य में? हाँ दुर्योधन, हर जगह तो नहीं ढूंढा है हमने पांडवों को, विराट में ढूंढना शेष है। विराट हमारे अधीन है, और विराट का सेनापति कीचक तुम्हारा मित्र, इसीलिए हमने विराट में गुप्तचर भेजे ही नहीं, और अवश्य पांडव यही सोचकर विराट नगर में होंगे कि हम उन्हें वहां ढूंढेंगे ही नहीं। परंतु अब पांडव बचेंगे ही नहीं दुर्योधन, आज ही मैं अपने गुप्तचरों को विराट जाने की आज्ञा देता हूं, आज ही। नहीं, वहां गुप्तचर नहीं जाएंगे, वहां हम स्वयं जाएंगे, और फिर पितामह को बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार उन पांडवों का अज्ञातवास टूटने का साक्षी मैं स्वयं रहूंगा। और फिर कीचक मेरा परम मित्र है,
अवश्य मेरी सहायता करेगा। ये जग कहने को सेनापति है, परंतु वास्तविकता में विराट का पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में। और जब तक वो पांडव नहीं मिल जाते, हम कीचक के साथ विराट में ही रहेंगे। नृत्य का अभ्यास हो रहा है भांजी उत्तरा। मावश्री, आप मेरे लिए उपहार लाए? अवश्य, अपनी प्रिय भांजी के लिए भला उपहार लाना मैं कैसे भूल सकता हूं। ये क्या मावश्री, फिर से वस्त्र? ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है उत्तरा, कलिंग राज्य का सबसे श्रेष्ठ वस्त्रकार के हाथों का बुना मलमल है। जब आपको मेरे मनचाहे वस्त्र लाने ही नहीं होते हैं, तो पूछते क्यों है कि क्या मंगाना है? आप भूल गए मैंने आपसे घुंघरू मंगवाए थे। मेरी प्रिय भांजी उत्तरा, शीघ्र ही तुम्हें किसी बड़े राज्य की महारानी बनना है, फिर तुम्हारे एक संकेत पे सैकड़ों नर्तकियां अपना कौशल दिखाएंगी। तुम्हें साधारण घुंघरुओं की क्या आवश्यकता है, होने वाली महारानी हो, अपने वस्त्र आभूषण पर ध्यान देना चाहिए। इस नृत्य और वादन में क्या रखा है, इसका कोई लाभ नहीं। क्षमा चाहती हूँ सेनापति महोदय, परंतु संगीत साधना शस्त्र साधना से कम नहीं होती। वस्त्र आभूषण शरीर सजाते हैं, परंतु संगीत मन को संतोष का आभूषण देता है। शस्त्रों से किसी राज्य को तो जीता जा सकता है, परंतु संगीत मन को जीतने का माध्यम है। यदि तुम उत्तरा की शिक्षिका ना होती ब्रनला, तो मेरे समक्ष मुख खोलने का दंड मृत्यु होता। तुम्हें किन्नर हो, तुम्हें क्या भान की राज स्त्रियों का आचरण क्या होना चाहिए और राजपुरुषों का पौरुष क्या मांग रखता है। तुम तो ना पूर्ण पुरुष हो ना पूर्ण स्त्री। जाओ तो अपनी वीणा संभालो। चलिए राजकुमारी, अभ्यास पुनः प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन, कहीं से तुम्हारे यहां होने का आभान तो नहीं हो गया? और भैया सुना, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन आए हैं। हाँ, सेनापति कीचक के अभिन्न मित्र हैं और अब तो वे दिग्विजय भी कर चुके हैं। स्वागत है युवराज। आशा है कि पांडव यहां नहीं होंगे। मुझे
के बाकियों को भी जाकर सावधान करना होगा। कदाचित दुर्योधन को सूचना मिल चुकी है कि हम यहाँ पर हैं, राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात भ्राता युधिष्ठिर संकट में है। सर्वप्रथम मुझे उन्हें जाकर सावधान करना होगा। वाह कंक, तुमने तो हमें फिर से हरा दिया। तुम तो द्यूत में बड़े ही प्रवीण हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताश्री, द्यूत तो भाग्य का खेल है। नहीं पुत्र उत्तर, कंक केवल द्यूत ही नहीं जानते, कभी इनके साथ समय व्यतीत करोगे तो स्वयं जानोगे। इन्हें नीति और दर्शन का बहुत गहरा ज्ञान है। कंक, कभी कभी राजकुमार उत्तर को भी तनिक ज्ञान दिया करो। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, और वैसे भी राजकुमारों के लिए शस्त्र ज्ञान अधिक होता है, और जो कि मुझे मेरे मामाश्री कीचक भलीभांति सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कंक महोदय, मेरे मामाश्री युद्ध में अपराजय हैं। उनकी तुलना महाबली भीष्म, बलराम और महाबलशाली भीम से की जाती है। देखना, मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह बलशाली बनूंगा। नहीं राजकुमार उत्तर, एक महान राजा बनने के लिए बल से अधिक नीति और न्याय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रजा को कैसे सुखी रखना है, ऐसी भावना अधिक आवश्यक है। परंतु पिताश्री, बिना बल के प्रजा की रक्षा कैसे की जा सकती है? प्रणिपात महाराज, कुमार के धनुर्भ्यास का समय हो गया है। नकुल यहां क्यों आया था? अवश्य कि वो कुछ विशेष बात करना चाहता है। मुझे उत्तर को लेकर बहुत चिंता है कंक। क्यों महाराज, वो तो बड़ा ही बुद्धिमान बालक है। हाँ, परंतु वो कीचक की परछाई में पल रहा है। तुमसे क्या छिपा है कंक, मैं केवल नाम का ही राजा हूं। सत्य तो यह है कि कीचक का प्रभाव मुझसे कहीं अधिक है। मेरी प्रजा, मेरी सेना और स्वयं मैं भी उससे बहुत भयभीत हैं। चिंता रहती है कि कहीं राजकुमार उत्तर भी कीचक के साथ रहते रहते उसकी तरह क्रूर ना बन जाए, या यूं कहूं कि कीचक उसे राजा बनने ही ना दे। तो अपने पिता होने का कर्तव्य निभाइए महाराज, उत्तर को कीचक से दूर रखें, उसे अच्छी संगति दे महाराज। वही तो करने में असमर्थ हूं कंक, मेरा किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। मैं केवल राजमुकुट पहनता हूं, वास्तव में राजा की शक्तियों का उपयोग तो कीचक ही करता है। नियंत्रण खोकर सब कुछ हार जाने की पीड़ा क्या होती है, असहाय होने की पीड़ा का अनुभव क्या होता है, वो तुम नहीं समझोगे कंक। जी महाराज। क्योंकि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता, युद्ध में हारने का, असहाय होकर सब कुछ खो देने का अनुभव है मुझे। साईरंदरी, आज तक कितनी ही सेविकाएं आई हमारे पास, परंतु किसी में भी तुम्हारे जैसा कौशल नहीं। रूप सज्जा हो या केश विन्यास,
तुमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। श्रृंगार पूर्ण हुआ महारानी, आज्ञा दीजिए, बहुत काम शेष है। अरे अभी कहाँ, हमें हमारे अन्य आभूषण कौन पहनाएगा? जी उपहास कर रहे हैं हम, तुम जाओ, आभूषण हम स्वयं पहन लेंगे। अच्छा रुको, एक बात बताओ, हम कब से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। तुम्हें इतना अच्छा श्रृंगार आता है, तुम स्वयं इतनी रूपवती हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? ये देखो कितने सुंदर केश है तुम्हारे, इसे खुला क्यों रखा है? मेरे खुले केश आप पांचों को मेरे अपमान का स्मरण दिलाते रहेंगे। क्योंकि मेरे खुले केश किसी प्रतिज्ञा से बंधे हैं महारानी। ऐसी कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा है कि इतने सुंदर केश बांधे भी ना जा सके? महारानी की जय हो, सेनापति कीचक पधार रहे हैं। कीचक हमारा भाई, वाह एक और विजय कर आया, हमें शीघ्र ही तैयार होना पड़ेगा। एकांत, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। नहीं मैं हूँ। तुम्हें वीणा बजाने और नृत्य के अतिरिक्त आता ही क्या है? राजकुल के सदस्यों को युद्ध ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। हाँ? बड़ा आया योद्धा, तुम्हें ठीक से तलवार पकड़नी तो आती नहीं है। अच्छा मुझे सब आता है, चलो कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय इस प्रदा से हो जाए। मेरे साथ अश्वरोहण की चुनौती स्वीकार करती हो? हाँ हाँ चलो, तुम्हें दिखा भी दूंगी कि मुझे वीणा बजाने के अतिरिक्त बहुत कुछ आता है। सावधान रहिएगा राजकुमारी। हाँ भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं जैसे मैं इसे जानता। महाराज विराट से मंत्रणा करनी है। आओ। क्या हुआ, संकट का संदेश क्यों भेजा? संकट नहीं भ्राता श्री, महासंकट। किस महासंकट की बात कर रहे हो नच? दुर्योधन गंधार राज और कर्ण के साथ विराट नगर पहुंच चुका है, और सुना है कि सेनापति कीचक भी उनका मित्र है। वो अवश्य हमारी खोज में आया होगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। 13 वर्ष पूर्व होने में 2 महाशेष है, किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी पहचान छिपानी होगी। इसलिए मैंने आप सबको संकट का संदेश भेजा था। पांचाली कहाँ है, उसे संकेत भेजा? मैंने महारानी के कक्ष के बाहर जाकर पुकार लगाई थी, अवश्य पांचाली ने सुनी होगी। तो फिर पांचाली यहाँ आई क्यों नहीं? सरेंद्री, राज्यसभा में कुछ अतिथि आए हैं, उनके स्वागत के लिए पात्र वहाँ रखवाने हैं। क्षमा करना, मुझे कुछ विशेष कार्य से जाना है। सहायता करो ना सरेंद्री, अचानक से वो लोग आ गए और दास कम पड़ गए हैं, बड़ा ही आभार होगा। परंतु वो से ये राजसभा में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, महाराज रुष्ट हो जाएंगे। चलो
पांचाली इस समय महारानी की सेवा में, हो सकता है उसे यहाँ आने का अवसर ना मिला हो। यही तो चिंता है ज्येष्ठ, कि पांचाली महारानी की सेवा में है। यदि पांचाली को महारानी बुलाया तो उसे राजसभा में जाना होगा। ठीक कहा तुमने अनुज, बिल्कुल ठीक कहा। पांचाली को दुर्योधन की दृष्टि से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पांचाली को राजसभा के समीप ना आने दूं। अर्थात आपको दुर्योधन के समीप रहना होगा प्रातः? हाँ, पांचाली को पहचाने जाने से बचाना है तो मुझे ये जुआ अवश्य खेलना होगा। हम पांचों में से मैं ही हूं जो विराट राज के निकट जा सकता है। महाराज, हस्तिनापुर के युवराज ऐसे ही नहीं बन गए हमारे मित्र दुर्योधन। बड़ा बल है इनकी गदा में। विराट नगर का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए। अरे बस मित्र, आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हो मेरी मित्र, परम मित्र। जा रहे हो भीम? राजसभा में आपके साथ ज्येष्ठ। नहीं भीम, तुम सदा अति चिंतित और अति उत्साही हो जाते हो और ये दोनों ही अवस्था हमारे लिए घातक है। यदि पांचाली राजसभा में तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। भीम तुम बस सतर्क रहो, जाओ जाकर रसोई घर में मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर, मैं वहां पर पहुंचता हूं। बस सावधान रहना, सावधान। ज्येष्ठ सदा प्रतीक्षा ही तो करता रहा हूं मैं। हस्तिनापुर की राजसभा में आपके विजय की प्रतीक्षा करता रहा, परिणाम क्या निकला आप स्वयं जानते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं भी, परंतु कभी कभी आक्रामक होने के स्थान पर पीछे हट जाना ही श्रेयस्कर होता है। भीम, हस्तिनापुर की राजसभा में जो कुछ हुआ उसके प्रतिकार के लिए लगभग 13 वर्ष हमने कष्ट सहे हैं भीम, और पांचाली ने भी। यदि तुम इस समय दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हुए तो हमारी 13 वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। भीम, हमने प्रतिज्ञा ली है, हमें हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भीम, मुझे आप पर विश्वास है ज्येष्ठ, मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, परंतु इस बार मैं शांत नहीं रहूंगा। यदि दुर्योधन ने कोई भी कुछ अगर रचा तो शपथ है अपनी प्रतिज्ञा की, भीम प्रस्तुत होगा, चाहे फिर से 12 वर्ष का वनवास क्यों ना भुगतना पड़े। हमारा मित्र कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है उस दासी में दुर्योधन। यदि ऐसा है तो युवराज के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है सेनापति कीचक? और वैसे भी अंगराज कर्ण अपने वचन के साथ साथ किसी व्यसन में भी रुचि रख रहे हैं, अच्छा है। आपका अतिथि है, आनंद करने दीजिए। परंतु विराट नगर में आनंद पर अतिथि से पूर्व आतिथ्य का अधिकार होता है। हाँ, कीचक का अधिकार होता है। है ना राजा? दासी,
तुम पहले हमारे समक्ष आ। युवराज दासी, पहले हमारे पांव धो। सुना नहीं दासी, सेनापति कीचक पुकार रहे हैं। राज्य में इतना सुंदर भोग्य है और मुझे ज्ञात ही नहीं। मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना हो। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं। शीघ्रता भी क्या है सुंदरी, अपना नाम तो बता दीजा। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है, फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो, है भी तो वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो। अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक,
सैरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी। उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। सैरंदरी, अच्छा नाम है। जाओ सैरंदरी। पांचाली तो उनके साथ गई थी, तो फिर कहां रह गई? सैरंदरी नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा। सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मेला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है। ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं। ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूँ। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है। सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं। और हाँ, यदि आवश्यकता होगी सेवकों की, तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान हर दिशा में ढूंढा है, केवल विराट नगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो 2 माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा, और वो मित्र, कहाँ खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। सुनो, केवल ये विराट नगर है जहाँ हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है, और हमें संदेह है कि वो पांडव यहीं विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो पांचों पांडव महातेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी, द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त दर्प की भी कमी नहीं है उस 5 पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि उन
वनवास के पश्चात भी उस द्रौपदी का दर पर घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो, अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं गांधार राज, राज यहां की चक्का चलता है। इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन? अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता। मैं समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस भांति छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं इसे जानता हूं।